26 जनवरी 2024 में मोहनपुर थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया। एटीएम चलाने की जो कंपनी है ईपीएएस, उन्होंने बताया, उनके जो चैनल मैनेजर है उन्होंने ये आवेदन दिया कि 25 जनवरी 2024 को डंगरा बाजार स्थित शिव मंदिर के पास जो एसबीआई का एटीएम है उसमें रात में अज्ञात लोगों द्वारा उसे काटने का प्रयास किया गया, पर यह प्रयास असफल रहा। इस संबंध में फिर मोहनपुर थाना कांड संख्या 6524 दिनांक 27/1/2024 को दर्ज किया गया एवं इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा इस कांड के घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड भी भेजा गया एवं पटना से एफएसएल फिंगरप्रिंट टीम ने भी आकर 27 तारीख को घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा इस कांड की गंभीरता को लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बोधगया एवं उनके साथ मोहनपुर थाने अध्यक्ष एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल एवं हमारी जो तकनीकी टीम है उसके साथ मिलकर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया जो इस कांड के उद्भेदन के लिए लगे हुए थे। तो उक्त गठित टीम द्वारा अपराध कर्मियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा था, टेक्निकल अनुसंधान भी किया जा रहा था एवं आसूचना संकलन भी किया जा रहा था। इस तकनीकी अनुसंधान से ये पता चला कि एटीएम काटने की घटना में संलिप्त अपराधी अभी बाराचट्टी थाना अंतर्गत कोहबरी जंगल में छिपे हुए थे। तो ये न्यूज़ मिलते ही तुरंत बाराचट्टी थाना के सहयोग से कोहबरी जंगल में हमारी एसडीपीओ बोधगया एवं मोहनपुर थानाध्यक्ष की टीम ने तुरंत छापेमारी की और वहाँ पे हमें हमारे आरोपी मिले जिनका नाम था अरुण कुमार, दूसरे थे सोनू कुमार एवं तीसरे थे पवन कुमार। ये तीनों ही थाना बाराचट्टी जिला गया से गिरफ्तार किए गए। इन तीनों की जब तलाशी ली गई तो अरुण कुमार के पास से एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन मिला एवं एक कीपैड का मोबाइल फ़ोन मिला। सोनू कुमार से एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन मिला एवं एक कीपैड मोबाइल फ़ोन मिला और पवन से एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। जब इन तीनों से पूछताछ की गई तो इन लोगों की न्यू इन्फॉर्मेशन से हम लोगों ने जो चौथा था प्रमोद कुमार उसको भी छापामारी करके गिरफ्तार किया गया। जब इसकी भी तलाशी ली गई तो उसके पास से भी एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन एवं दो कीपैड मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। इन चारों से जब फिर से दोबारा इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने इनके द्वारा पांचवा जो दीपक कुमार एवं छठा जो रंजीत कुमार है इन लोगों को भी इनके घर से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए जो ये चारों थे इनका कोहबरी स्थित जंगल में जो सोनू कुमार था उसके घर से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस एवं उक्त घटना कार्य करने में उपयोग की गई जो 2 मोटरसाइकिल थी सब बरामद की गई एवं उसको जब्त किया गया। सो जब दीपक कुमार की तलाशी ली गई तो उसके पास एक कीपैड मोबाइल फ़ोन और रंजीत कुमार के पास एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। सो इन टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो इस कांड में वो थे, जुड़े हुए थे। और जो चीज़ें सीज गई हैं इन टोटल उसमें एक देसी कट्टा है, एक देसी पिस्टल है, 5 जिंदा कारतूस है, 10 मोबाइल हैं एवं 2 मोटरसाइकिल है। तो इन सब पकड़े गए अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा एवं इन लोगों का आपराधिक इतिहास की भी जाँच की जा रही है। तो अभी फिलहाल हमारे पास प्रमोद कुमार का आपराधिक इतिहास मिला है, बाकियों की भी जांच की जा रही है। और ये जो आर्म्स पकड़ा गया था बाराचट्टी में उसके लिए भी बाराचट्टी में कांड संख्या 123/24 दर्ज करा दिया गया है। और इस कांड में सवल उत्पेदन के लिए एवं गिरफ्तारी के लिए जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल थे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये कोई हीरो है? लूट में कोई है वो की जा रही है, इनका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है। मास्टरमाइंड इसमें जो इन लोगों ने बताया उसके हिसाब से 2 थे, एक प्रमोद कुमार और एक अरुण कुमार, इन दोनों ने ही मास्टरमाइंड करके